वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हो सकता है इस टाइप के न्यूमेरिकल हो, ठीक है। सबसे पहले सिर्फ दो बातें याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है, या फिर कई कंडीशन। पहली, सेम पावर हो, ठीक है, सेम पावर हो। और सेकंड कंडीशन किस तरीके से थी हमारी यहाँ पर, कि पावर और एंगल वाली कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पर सीधी सी बात है, दो वेरिएबल की बात हो रही है, एक्स और वाई की, ठीक है। तो पावर और एंगल भी एक्स और वाई में, सीधी सी बात है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है ए की पावर है एक्स बाई वाई, ठीक है, फंक्शन की पावर है ये एक्स बाई वाई, ठीक है। तो एक्स बाई वाई है तो हमें क्या चाहिए यहाँ से, डी एक्स बाई डी वाई चाहिए, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स कोई काम का नहीं है यहाँ पर, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हो सकता है कभी न्यूमेरिकल में ये कंडीशन होती है, जैसे ई की पावर है एक्स बाई वाई स्क्वेयर, इस तरीके से, ठीक है, साथ में डी एक्स बाई डी वाई है जीरो के बराबर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, फिर ये होमोजीनियस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें डी एक्स बाई डी वाई चाहिए, सही बात है, लेकिन यहाँ पर पावर अलग है, एक्स की पावर वन है, वाई की पावर दो है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन साथ में चेक करनी है हमने, ठीक है। अब इस टाइप से न्यूमेरिकल हो तो यहाँ पर क्या चाहिए हमें, डी एक्स बाई डी वाई वाली टर्म चाहिए, सीधी सी बात है। और ये कैसे निकलेगी, यहाँ से दोनों साइड डी वाई से डिवाइड कर दो, इस साइड इस तरीके से, ठीक है, जो भी तरीका सही लगे, सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ पर ये कैंसिल, जीरो बाई समथिंग जीरो, और यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई, तो सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, हमें डी एक्स बाई डी वाई एक साइड चाहिए इस तरीके से, ठीक है, बाकी जो भी है साथ में वो राइट हैंड साइड में जाएगा, जो भी रिजल्ट हो, ये यहाँ पर प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का, इस तरीके से सिर्फ कैलकुलेशन बचेगी। और नीचे ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में थी, ये सारी टर्म यहाँ पर डिवाइड में आ जाएंगी, टू वाई और ई की पावर एक्स बाई वाई, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पुट करना था हमने, ठीक है, पुट किसको करना था, जो इनडिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट ऊपर वाली को, सीधी सी बात है, एक्स को पुट करना पड़ेगा यहाँ पर, ये याद रखना है, ठीक है। और किसके इन वी इंटू में, वी कोई नया फंक्शन है, और वी इंटू वाई में, सीधी सी बात है, ठीक है। और यहाँ पर काम की बात क्या है, यहीं पर अगर जो नया फंक्शन आए वो सिर्फ वी और वाई में हो, मतलब एक्स में ना हो, ठीक है, एक्स आए कहीं पर तो उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब पुट का मतलब क्या था, सब्सटीट्यूशन मेथड। और इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना हमने विद रिस्पेक्ट टू, किसके करना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, अब उल्टा होगा, जैसे पुट करना था ऊपर वाले को, लेकिन डिफरेंशिएशन करना नीचे वाले के रिस्पेक्ट में, वाई के, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का डी एक्स बाई डी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई है, इस वजह से। फिर यहाँ पर यू इंटू वी, वही यहाँ पर कंडीशन बस रिपीट होंगी, ठीक है। अब वी इंटू वाई का वी एज इट इज, वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई वन, फिर प्लस का साइन, अब वाई एज इट इज, वी का विद रिस्पेक्ट टू वाई, इस तरीके से। इसके बाद कंपेयर करते हैं हम, ठीक है, कंपेयर डी एक्स बाई डी वाई के ये रिजल्ट बराबर है, इसके ये बराबर, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे किस तरीके से, कि वी गेट या फिर वी प्लस, जैसे यहाँ पर है वी प्लस वी इंटू डी वी बाई डी वाई, इस तरीके से। आगे तो सीधी सी बात है, वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड अप्लाई होंगे, ठीक, सीधी सी बात है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल वाले, मतलब जो पहला पॉइंट था यहाँ पर, पहला पॉइंट क्या था, कि एक्स और वाई के फंक्शन अलग अलग करने हैं, ठीक है, अलग अलग, सीधी सी बात है, यहाँ पर ये कंडीशन कभी भी नहीं होगी, सीधी सी बात है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो, ठीक है। अभी यहाँ पर ये किसके बराबर है, इसके, माइनस का साइन, ऊपर है वाई, हमें तो नया फंक्शन वाई और वी में चाहिए, तो वाई काम का माइनस टू इंटू, अब एक्स काम का नहीं है यहाँ पर, ये बात याद रखनी है, तो एक्स की वैल्यू पुट कर देना, इस तरीके से, ठीक है। और नीचे, नीचे क्या हमारे पास, टू इंटू वाई, वाई काम का ई की पावर, एक्स काम का नहीं, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, वी इंटू वाई, या फिर एक्स बाई वाई की वैल्यू निकाल लो यहाँ से वी, वो एक ही बात है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर जो जो भी सॉल्यूशन सही लगे, मतलब सिर्फ कैलकुलेशन है यहाँ पर, जैसे वाई ऊपर से कॉमन आएगा, यहाँ पर भी वाई है इंटू में, ठीक है, तो वाई से वाई कैंसिल, जैसे इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर वन बच जाएगा, यस, इस तरीके जो भी कैलकुलेशन हो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस वन, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो टू वी माइनस का वन नीचे है, यहाँ पर टू इंटू ई की पावर वी, सिर्फ कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पर वी प्लस, तो इस वी को हटाएंगे सबसे पहले, इस तरीके से हटेगा ये,
फिर एलसीएम ले लो, जो भी कैलकुलेशन सही लगे। ठीक है, यहाँ पर है 2 × e की पावर v, तो -v से इसकी मल्टीप्लाई कर देना, तो 2v e की पावर v, ये कैलकुलेशन होगी इसकी इस तरीके से। ठीक है, जो भी तरीका सही लगे, सीधी सी बात है। ठीक है, इसके बाद वही कंडीशन है, इसका एक साइड वी होगा। ठीक है, मतलब डी वी की वी वाली साइड, वी वाली जितनी भी टर्म हो, जैसे ये भी वी की, ये भी वी की, ये भी वी की, ये -1 भी इसी के साथ रख लेना। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पर। ठीक है, और वाई वाले फंक्शन अलग से, इस तरीके से जो भी कैलकुलेशन सही लगे, सीधी सी बात है। ठीक है, और उसके बाद हमें पता है कि आगे दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जब ये यहाँ पर वाई डी वाई यहाँ से हटेगा तो, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन, आगे सिर्फ हमने सॉल्यूशन निकालना है, जो भी तरीका सही लगे, मतलब जिस भी तरीके से इंटीग्रेशन आता हो। ठीक है, अब इसी तरीके से ये न्यूमेरिकल y × e की पावर xy। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें ये पावर बताएगी, सीधी सी बात है, ये पावर बताएगी हमें क्या चाहिए, पावर या फिर एंगल, दो बातें यहाँ पर। ठीक है, कहीं कभी यहीं पर अगर न्यूमेरिकल में इस टाइप से लिखा हो, जैसे ये इक्वेशन थी, इसको मान लो कि e की पावर है x/y इस तरीके से, और साथ में dy/dx गिवन हो और इज इक्वल टू 1, इस तरीके से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, सही बात है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कि dy/dx है तो ये काम का है। ठीक है, सबसे पहले ये कंडीशन चेक करनी है हमने, e की पावर x/y। ठीक है, तो पावर होगी x/y, तो काम का भी सिर्फ ये फंक्शन मिलेगा dx/dy। ठीक है, तो इसको हटाएंगे यहाँ से, इसको हटाने का मतलब सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा e की पावर x/y। ठीक है, और यहाँ से हटने का मतलब इसको यहाँ पर डिवाइड में लिख दो, जैसे ये मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में, तो नीचे dy/dx आएगा, जैसे इसको हट के इस तरीके से मतलब। ठीक है, और फिर कैलकुलेशन ये ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, फिर हमने बाद में ये स्टेप अप्लाई करने इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर भी पुट करना पड़ेगा x = v × y। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि सब सिर्फ जो सबसे पहली कंडीशन तो ये है, जो जब भी होमोजीनियस की बात आए पहली कंडीशन ये रहेगी, उसके बाद पावर चेक करनी होती है। ठीक है, लेकिन कई बार हम सिर्फ पावर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर पावर है, लेकिन साथ में ये बात भी चेक करनी है, उसमें dx/dy चाहिए या फिर dy/dx, उसके बाद जो भी वेरिएबल सेपरेबल के आगे पॉइंट थे वो सेम टू सेम, मतलब आगे हमें पता है किस तरीके से इंटीग्रेशन करना है। फिर अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात हो, मतलब कोई कंडीशन गिवन हो, जैसे इस तरीके से y(1, 0), जो भी कंडीशन गिवन हो उसको पुट कर देना, वहाँ से c की वैल्यू आती है, वही बातें रिपीट होंगी। ठीक है, अब इस टाइप से न्यूमेरिकल तो कैसे सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या चाहिए हमें, x/y है तो पावर में, तो सीधी, और साथ में ये बात भी याद रखना, जैसे e के दो फंक्शन है तो यहाँ पर दोनों के साथ x/y ही मिलेगा। ठीक है, ये नहीं है कि कभी यहाँ पर x/y है तो यहाँ पर y/x है, फिर होमोजीनियस की बात अप्लाई नहीं होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, ये फंक्शन साथ में सेम भी तो होने चाहिए कि पावर में x/y है तो यहाँ पर भी, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास किस तरीके से सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले y × e की पावर x/y, साथ में dx है, और यहाँ पर x × e की पावर x/y प्लस का y × dy। ठीक है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उससे हमें मतलब नहीं, सिर्फ पावर चेक करनी है, x और y की पावर चेक करनी है हमने, पावर किसकी, सिर्फ x और y की, क्यों, क्योंकि यही तो है वो दो वेरिएबल जिसमें एक इंडिपेंडेंट होता है एक डिपेंडेंट, सीधी सी बात है। और यहाँ से क्या निकालना हमने, dx/dy। ठीक है, जो भी तरीका सही लगे, तो इसको जैसे यहाँ पर इसको टाल लें इस तरीके से, जो भी तरीका सही लगे, सीधी सी बात है। ठीक है, dx/dy एक साइड, जो भी बाकी रिजल्ट हो वो राइट हैंड साइड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x × e की पावर x/y प्लस वाई, और नीचे चला जाएगा ये जो मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो y × e की पावर x/y। अब इसके बाद वही स्टेप है पुट करना, हमने किसको पुट करना, ऊपर वाले को, x को, किसके बराबर, v × y के बराबर, v एक नया फंक्शन है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर dx/dy तो किस तरीके से सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले पुट का मतलब सब्सटीट्यूशन मेथड, फिर करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, अब नीचे वाले के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, और जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जो भी इसका डिफरेंशिएशन होगा किस तरीके से विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो dx/dy आएगा, ये भी इसके बराबर, तो कंपेयर करने के बाद क्या बनेगा हमारे पास, v + y × dv/dy इस तरीके से, और राइट हैंड साइड ये है। ठीक है, तो x, तो सीधी सी बात है नए फंक्शन में x का कोई काम नहीं है, x को हटाना पड़ेगा, मतलब जहाँ पर भी x हो उसकी वैल्यू ये पुट कर देना v × y,
और e की पावर, अब x को या तो x को वैल्यू पुट करो v इंटू वाई, या फिर x बाई वाई की वैल्यू v है, वो e की बात है, ठीक है। वहाँ पर भी y से y कटेगा, e की पावर v बचेगी, y काम का है, और नीचे y इंटू e की पावर x बाई वाई। अब y ऊपर से y कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी कॉमन है, इस तरीके से हटेगा, प्लस का वन बचेगा, ठीक है। फिर इस v को हटा देना इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद v वाली टर्म एक साइड, और जैसे यहाँ पर x बाई वाई है तो इसको भी इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। जो भी तरीका सही लगे, सीधी सी बात है। अब फिर e की पावर v एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने का मतलब है इस तरीके से, ठीक है। अब ये प्लस का है, जैसे यहाँ पर ये माइनस का, सिर्फ कैलकुलेशन, ऊपर बचा वन बाई ई की पावर वी, और यहाँ पर है इस तरीके से। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, वी वाली टर्म एक साइड, तो यहाँ पर डी वी है, ठीक है, इनटू में ये ई की पावर वी है, यहाँ पर डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, और राइट हैंड साइड में वन है हमारे पास, और ये वाई, वाई ऊपर है तो नीचे, और ये नीचे है तो ये ऊपर, इस तरीके से दोनों साइड इंटीग्रेशन, सिर्फ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब e की पावर v का इंटीग्रेशन आना चाहिए हमें, किसके बराबर होता है, एज इट इज होगा e की पावर v विद रिस्पेक्ट टू v है, इस वजह से, ठीक है। और नीचे v का कोफिशियंट इस तरीके से, ठीक है, और ये किसके बराबर है, वन बाई वाई। अब वन बाई वाई का इंटीग्रेशन आना चाहिए, डिवाइड में लीनियर, तो log y, और नीचे y का कोफिशियंट वो भी वन है, फिर प्लस का साइन c ऐड करना है, लेकिन c ऐड करना है नेचर ऑफ फंक्शन के हिसाब से, ये है एक्सपोनेंशियल, ये है लॉगरिथमिक, तो सिंपल c रख लो, यही आंसर है। लेकिन यहाँ पर ये आंसर नहीं है, इस v की वैल्यू पुट कर देना, क्यों, क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन x और y में है सारी, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी तो x और y में आएगा, तो बस कुछ नहीं, v की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना x बाई वाई, ठीक है, इसको हटा के इस तरीके से, यही सॉल्यूशन है, बस इस तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व करने हमने, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।